दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को जोड़ना चाहते हैं या अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान और सरल है और इसमें आप आसानी से ही अपने राशन कार्ड में नए मोबाइल नंबर को जोड़ पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने का जो काम होता है वो राशन कार्ड की इस आधिकारिक वेबसाइट से होता है और यहाँ पर देखिए आपको अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है, जहाँ पर आपको ये ढेर सारी सेवाएं राशन कार्ड की देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से मिलती है तो ये मिलती है आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से। तो आपको आ जाना है इस ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे और यहाँ पर आने के बाद देखिए मिलता है विभागीय एकीकरण सेवाएं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करके इस प्रकार से राशन कार्ड की सर्विस पे आ जाना है। जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है वो आसानी से जानते हैं कि यहाँ पर आपको राशन कार्ड की सेवाएं मिलती हैं। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए या नया मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको आना है राशन कार्ड संशोधन पर। यही मात्र एक ऐसा तरीका है जहाँ से आपका जो है राशन कार्ड पे मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है और मोबाइल नंबर जो है बदला जा सकता है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पेज आ गया। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जिला चुनना होता है, जो भी आपका जिला होता है। जिला चुनने के बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डालना होता है और सर्च के बटन पे क्लिक करना होता है। तो चलिए हम ये भरते हैं और सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी जानकारी है, लेकिन जैसे कि आपको मोबाइल नंबर बदलना है तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर कॉलम में आपको मोबाइल नंबर का विकल्प मिल जाता है, जहाँ से आप मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं या जो है यहाँ पर नया मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या अगर खाली है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये मोबाइल नंबर पहले जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मुझे कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना है तो इसे मैं हटा दूंगा और हटाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर जोड़ दूंगा। तो फ्रेंड देखिए, इस डेमो के लिए इस प्रकार से मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है और मोबाइल नंबर आपको डालने के बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको इसे आगे बढ़े और सेव करें बटन पर क्लिक करना है। तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद देखिए, जैसे ही आपका ये मोबाइल नंबर यहाँ सेव हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ आ जाना है, नीचे यहाँ पर लिखा है देखिए संशोधन ड्राफ्ट प्रिंट करें। तो पहले आप इस ड्राफ्ट को प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद देखिए आपके पास अगला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, संशोधन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आपको इस कॉलम पे क्लिक करना है और इस पर जो है अधिकारी को अग्रेषित कर देना है। पहले फ्रेंड्स प्रिंट होगा, प्रिंट में आप देख लेंगे कि आपका मोबाइल नंबर सही आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अधिकारी को अग्रेषित कर देंगे। अधिकारी को अग्रेषित करने के बाद इस ऑप्शन में आप अपनी पावती को प्रिंट कर लेंगे, जहाँ पर लिखा है राशन कार्ड की पावती रसीद प्रिंट करें। अब दोस्तों, इतना ही काम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप पावती रसीद प्रिंट कर लेंगे, फिर आपको इंतजार करना है 20 से 30 दिन का। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आसानी से आपके राशन कार्ड पर लिंक कर दिया जाएगा, ऑनलाइन यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यही प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपको संशोधन करना होता है, फिर ड्राफ्ट प्रिंट करना होता है, उसके बाद देखिए अधिकारी को अग्रेषित करना होता है और उसका रसीद डाउनलोड करनी होती है। जब तक दोस्तों आप अधिकारी को अग्रेषित नहीं करते हैं तब तक आपके राशन कार्ड में कोई भी बदलाव नहीं होता है, उस पर कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया जाता है। तो आपको अधिकारी को अग्रेषित करना जरूरी है। जैसे ही अधिकारी को अग्रेषित कर देंगे तो आपके राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।